गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे गाइज आप QR कोड जनरेट कर सकते हो अपने PC से और अपने फ़ोन से। तो गाइज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बहुत ही इजी हैं, जस्ट वन क्लिक में हो जाता है। गाइज अगर मान लो आप अपने YouTube चैनल का कोई QR कोड जनरेट करना चाहते हो या किसी नेम से या किसी चीज़ से, तो गाइज आप जनरेट कर सकते हो। गाइज उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हो तो गाइज आपको अपने मोबाइल में Adobe Express नाम का एक ऐप है, एप्लीकेशन, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। और अगर गाइज आप PC में करना चाहते हो तो Adobe Express आपको PC में डाउनलोड करना पड़ेगा। और गाइज इसे आप डायरेक्ट जो है क्रोम ब्राउज़र से भी, वेबसाइटें हैं सर्च करके आप वहां से QR कोड जनरेट कर सकते हो गाइज। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ये जेन्युइन है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो गाइज मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। देखिए गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना Adobe Express ओपन कर लेना है। तो गाइज जैसे ही Adobe Express आप ओपन करोगे उसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो गाइज मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले ये बता दूँ कि आप इसे डाउनलोड कहाँ से करोगे। देखिए गाइज इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हो। क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हो Adobe Express। तो गाइज मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद जो इसकी पहली ऑफिशियल साइट आई, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज जो इसका डाउनलोड करने का जो दूसरा तरीका है वो ये गाइज कि अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो आप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नाम का एक ब्राउज़र होगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ यहाँ पे आप सर्च करोगे Adobe Express तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से Adobe Express डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइज ये हो गया हमारा डाउनलोड करने का तरीका। जब डाउनलोड आप कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका आएगा। गाइज यहाँ पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा या साइनअप करना पड़ेगा, तब आप यहाँ कुछ कर पाओगे। और गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत से ऐसे फीचर देता है ज़बरदस्त जिन्हें यूज़ करके आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकते हो, अच्छे से अच्छी चीज़ कर सकते हो। पहली बात इसमें क्या क्या कर सकते हो गाइज, इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट बना सकते हो, फ्लायर बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी, टिकटॉक वीडियो, लोगो, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, पोस्टर, और गाइज यूट्यूब थंबनेल, वेब पेज भी बना सकते हो। और गाइज टेक्स्ट टू इमेज जनरेट फिल, टेक्स्ट टू टेम्पलेट, टेक्स्ट इफेक्ट, और भी बहुत कुछ है। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इमेज का, रिसाइज इमेज, कैप्शन वीडियो, एनिमेट टू वीडियो, कन्वर्ट टू PDF, कन्वर्ट टू MP4, रिसाइज वीडियो, मर्ज वीडियो। और जो हमारा गाइज ये लास्ट वाला है वो है QR कोड जनरेट, QR कोड और कन्वर्ट टू PDF। तो गाइज़ हम यहाँ इस वाले टॉपिक पे बात करेंगे, जनरेट QR कोड। तो गाइज़ आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आप साइनअप कर लेना। साइनअप करने के बाद गाइज़ आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे लिंक पूछ रहा है, आप किसे लिंक करना चाहते हो। और यहाँ से आप इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, फाइल फॉर्मेट PNG में डाउनलोड करोगे या लिंक। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल का लिंक डाल देता हूँ, मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूँ। देखिए गाइज ये मेरा चैनल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं अपना चैनल खोल के उससे उसका जो है लिंक कॉपी कर लेता हूँ। देखिए गाइज मैंने लिंक कॉपी कर लिया, मैं इसका बारकोड जनरेट करना चाहता हूँ। तो गाइज बारकोड जनरेट करने के लिए मैं अपने Adobe Express ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए गाइज मैंने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, अब गाइज अब यहाँ पे क्लिक करूँगा ये जनरेट करके दे देगा। देखिए गाइज इसने जनरेट करके दे दिया, अब मैं इसे डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। तो गाइज ये जस्ट वन क्लिक में हो जाता है और इसमें कोई इशू नहीं होता है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो गाइज़।